है बहुत ज्यादा। फिर से कह रहा हूँ मैं भाई, गंगा को स्वच्छ और साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ आते हैं, यहाँ बैठे, नलका लगा रखा वहाँ पे और ये हौदी बना रखी है गायों के लिए पानी पीने के लिए। ये दर्शन हो गए, ये हमारे हमारे जो है गुरुजी है, और मैं वॉकिंग करके आ रहा था और ये रेलवे स्टेशन पे मिल गया, तो पैदल ही पानी धीरे धीरे जो है, तो देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे इधर को। तो पानी मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ट करके छोड़ 20 रुपीज, आप देख सकते हैं ये 20 रुपये का, और ये देखिए एम्बलम भी है इस पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चैनल की शुरुआत हो चुकी है, मॉर्निंग वॉक से। जैसे कि आपको पता ही है, अपनी आज की व्लॉग की शुरुआत भाई मॉर्निंग वॉक से होगी और एक छोटी रनिंग भी करेंगे। और काफ़ी दिनों के बाद, यानी एक हफ्ते का गैप हो गया, उसके बाद में जो है कि एडीपिल के प्रांगण में हूँ। और एक्चुअली क्या हुआ था, आपको पता ही है, वीडियोज आपने देखी कि मैं पहाड़ों में गया हुआ था और वहाँ के तो मज़े ही कुछ और है भाई। वहाँ के मौसम में, यहाँ के मौसम में बहुत अंतर है। तो गाइस यार, देर न करते हुए करते हैं एक छोटी रनिंग और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पड़ाव पे। मिलते हैं फिर। गाइस स्वागत है आपके गंगा माता की गोद से, और मैं पहुंच गया हूँ गंगा जी के किनारे। और यहाँ इतना अच्छा व्यू बन रहा ना, मजा आ रहा बहुत। ब्यूटीफुल सीन मैं दिखाना चाहूंगा आपको। गाइस यार बहुत अच्छा लग रहा है, सूरज भी आ गया और आपने व्यू देख ही लिया होगा कितना मस्त लग रहा है। और मेरे ख्याल से पानी अभी छोड़ा हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है। पानी धीरे धीरे जो है, तो देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे इधर को। तो पानी मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ट करके छोड़ रखा है। देखिए धीरे धीरे पानी ये इस तरफ आ रहा है नदी के। गाइस यार कल हल्की सी बारिश की बूंदें पड़ी थी, और उसके बाद में जो है ना, ये एरिया जहाँ जहाँ पत्थर हैं बिल्कुल साफ हो रखा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल भी डस्टी नहीं है। गाइस यार यहाँ पर एक सिक्का मिला मुझे, और ये सिक्का जो है ना 20 रुपए का सिक्का है। मैंने 20 रुपए का सिक्का पहले कभी मेरे पास तो नहीं आया, आपके पास आया वो तो बात अलग है, लेकिन मैंने कभी 20 रुपए का सिक्का नहीं देखा था। और ये देखो 20 रुपए का सिक्का 2020 का है इसका, तो 20 रुपीज आप देख सकते हैं ये 20 रुपए का। और ये देखिए एम्बलम भी है इस पर। बाकी गाइज यहाँ का व्यू आपको तो देख ही लिया आपने, बहुत ही शानदार है। बट एक चीज कहना चाहूंगा मैं, अभी भी यहाँ पे ना लोगों ने गंदगी काफी फैला रखी है, दिखाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि यार गंगा की मर्यादा का सवाल है। गंगा के बीच में ही, बिल्कुल साइड में ही इतनी गंदगी फैला रखी है बहुत ज्यादा। फिर से कह रहा हूँ मैं भाई, गंगा को स्वच्छ और साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ आते हैं, यहाँ बैठे
एंजॉय करें, लेकिन गंगे के साथ छेड़छाड़ और गंदगी ना फैलाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे गंगा जी है और ये आ गया आपका कोस्टल एरिया बिल्कुल। और ये देखो कितना शानदार व्यू लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर और ये बगल में पेड़ भी हैं और सामने से सूर्यदेव के दर्शन, उसकी छाया पानी में और कल कल बहती गंगा और सामने का व्यू ये देखिए आप, वाओ ब्यूटीफुल। वापिस पहुंच गया हूँ वीरभद्र मंदिर के पास और यहाँ पर है पानी का नलका, उसमें आता फ्रेश पानी, पानी पियेंगे अभी हल्का सा। जय भोले बाबा, ये है वीरभद्र मंदिर। ये देखिए गाइस, पत्ता गोभी की खेती अभी भी चल रही है। गाइस मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, एक साइड से निकाले जा रहा है और एक साइड से ये उगे जा रही है, ये भी अचंभे वाली बात है, खत्म ही नहीं हो रही। और आपने देख लिया कितना बढ़िया तरीके से उग रही है। तो देखिए दूर दूर तक, राम राम बाबा जी, राम राम जी, राम राम। और ये देखिए गाइस, ये बढ़िया बना रखा है, नलका लगा रखा है वहाँ पे और ये हौदी बना रखी है गायों के लिए पानी पीने के लिए। और ये अच्छा कर रखा है यार, अच्छी बात है। तो जस्ट ये मंदिर के पास ही है, मंदिर है अंदर, उसके बाहर ये हौदी है। ये देखिए धीरे धीरे दुकानें खुल रही है पड़ाव में। भाई ठीक है ना, फर्स्ट क्लास। और भाई जब भी मिलता है दुकान खोलते हुए मिलता है और हंसते हुए मिलता है, यार बढ़िया बंदा है एकदम। प्रणाम प्रणाम, और ठीक ठाक? आज दौड़ और सब ठीक ठाक? और देखे गए सुबह सुबह गुरुजी के दर्शन हो गए। ये हमारे हमारे जो है गुरुजी है और मैं वॉकिंग करके आ रहा था और ये रेलवे स्टेशन पे मिल गए, तो पैदल ही ठीक है। ठीक ठीक, चलो ठीक है, आना फिर घर पे आऊंगा। अच्छा अच्छा, कौन सा स्कूल है? अच्छा, क्या कर, खाना खाया? खाना खाया तुम? खाना खाया? क्या खाया है? क्या खाया तूने? बता ए? क्या खाया? तुम कहाँ से आ रहे हो आज बताओ, कहाँ से आ रहे हो?